वेलकम टू माय चैनल लव गार्डन। आज हम एक खूबसूरत प्लांट निम्फ्रेना की बात कर रहे हैं। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये समर का फ्लावर प्लांट है। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे मखमली। ये फुल सन का प्लांट है। वैसे तो ये एनुअल प्लांट है, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ये फ्लावरिंग नहीं करता। निम्फ्रेना का प्लांट मार्च से लेकर दिसंबर तक बहुत बड़ी मात्रा में फ्लावरिंग करता है। निम्फ्रेना में कई शेड होते हैं, जैसे मेजेंटा, पर्पल, रेड, ऑरेंज, वाइट, पिंक। आप जो देख रहे हैं ये पर्पल प्लांट है। मेरे पास तीन कलर के फ्लावर प्लांट थे, वाइट, पर्पल और पिंक। इस समय केवल वाइट और पर्पल है। निम्फ्रेना प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत बड़े पॉट की जरूरत नहीं होती। ये स्मॉल पॉट में भी आसानी से लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी सॉइल मॉइस्ट होनी चाहिए। इस प्लांट को आप देख रहे हैं, ये मैंने दो बार ग्रो किया है। जहाँ पर बहुत तेज़ धूप होती है, बहुत ज़्यादा विंटर नहीं उगाना पड़ती ऐसी जगह पर, आप इसे एक साल में दो बार लगा सकते हैं। पहले मैंने इसको फरवरी में लगाया था, जिसके फ्लावर जुलाई अगस्त तक बने रहे। सूखने के बाद इनको फिर से दोबारा मैंने ग्रो किया और ये अभी खिल रहे हैं। दिसंबर जनवरी तक ये खिलेंगे। जब इनके फ्लावर सूख जाते हैं तब इनको तोड़कर किसी भी पॉट में डाल दीजिए। विंटर में ग्रो करना है सीड से तो इसे फुल सन में रखिए, और अगर समर के लिए ग्रो करना है तो फरवरी मार्च में इनको सीड को डालकर किसी ठंडे स्थान पर रखिए, जब तक कि इसमें प्लांट निकल नहीं आता। निम्फ्रेना के प्लांट को आप किसी बड़े पॉट में, अगर कोई प्लांट लगा हुआ है तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। जैसे आप ये वाइट प्लांट देख रहे हैं, ये मैंने रोज़ के पॉट में लगाया हुआ है। रोज़ की कटिंग करने के बाद उसे खाली पॉट में मैंने सिर्फ सीड डाल दिया था, ये प्लांट उसमें लगा हुआ है। इसकी हाइट 2 फीट तक होती है। ये इसकी 2 वैरायटी होती है, जिसकी हाइट 2 फीट होती है, और एक छोटी वैरायटी होती है जो 6-8 इंच तक ही होता है। ये आप जो प्लांट देख रहे हैं ये सब छोटे पॉट में लगाए गए हैं, और छोटे पॉट में जो नर्सरी से पौधे आते हैं उनके उनसे निकले हुए ये पॉट है। नेक्स्ट आप जो पर्पल कलर का देख रहे हैं, वो बड़े गमले में दिख रहा है, वो मैंने एक्जोरा के पॉट में सीड डाल दिया था और वहीं पर ही ग्रो कर गया है। इसे लगाना बहुत ही आसान है और इसे हमेशा सीड से लगाइए। निम्फ्रेना का प्लांट लो मेंटेनेंस का प्लांट है। इसको केवल वेल ड्रेन्ड सॉइल की जरूरत होती है, फुल सन की, और बैलेंस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। ये कहीं भी आप इसके सीड डाल देंगे, ये वहाँ पर आसानी से ग्रो कर जाता है। एक्जोरा के पॉट में इसको देख रहे हैं। ये सीड मैंने पिंक निम्फ्रेना का डाला है। जैसे मेरे गोल्ड को ग्रो करते हैं वैसे ही ये ग्रो किया जाता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। मेरे चैनल लव गार्डन को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।